कहीं जाएंगे ना तो ये धरना जारी रहेगा। कितना दिन? जब तक कि लोग घोषणा नहीं कर दें। बारिश में? एकदम बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी। इस बार 2024 का इलेक्शन भी होगा फिर भी हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे अगर हम लोग का मांग ये सरकार पूरा नहीं करती है। बात को कहे हैं उनके उनसे मिल के जाऊंगा और जो समस्या है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। ये सही है कि अगर जो नियम कहता है उस हिसाब से काम होता है, नियम क्या है और उसमें क्या दिक्कत है उन सारी बातों को समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये धरना प्रदर्शन करने वाले लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार बैठे हैं, बहुत दिनों से समस्या है, इसको समझ करके काम इस पर काम करने की जरूरत है, उसको हम लोग करने का पूरा काम करेंगे। पिछले 22 अगस्त से यहाँ धरने पर बैठे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं। सहायक शिक्षक बनने की पूरी पूरी अर्हता हम लोग रखते हैं, लेकिन इस सरकार जो है 2019 में जब चुनाव में गई थी इन्होंने वादा किया था कि भाई 3 माह के भीतर आपको हम वेतन मान देंगे। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अनुशंसा भी कर दिया कि जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है उनको सीधे वेतन मान दिया जा सकता है। आगे चल करके इन्होंने एडवोकेट जनरल से भी परामर्श कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को अगर वेतन मान देते हैं तो कहीं कोई विधिक अड़चन तो नहीं है। तो एडवोकेट जनरल ने भी अपने सजेशन में स्पष्ट लिखित सजेशन में कहा कि कहीं कोई विधिक अड़चन में नहीं है, ट्रेन एंड टेट पास पारा टीचर को सीधे वेतन मान आप दे सकते हैं, कहीं कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन फिर भी आश्चर्य होगा आपको जान करके कि कमिटी की अनुशंसा होने के बावजूद, हाई लेवल कमिटी की अनुशंसा होने के बावजूद, महाधिवक्ता का परामर्श होने के बावजूद हमको वेतनमान नहीं मिला, वेतनमान से हमको वंचित रखा गया। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वर्तमान में 26,001 शिक्षकों की बहाली हो रही है, 50% सीट हमारे लिए आरक्षित है। हम चाहते हैं कि भाई 20 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, तो आप हमारे जो 13,000 हमारा सीट है उन पर आप हमको एडजस्ट कर दे। यही सीधा सा मांग हमारा है। बगल में बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तमाम राज्य जो है पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को स्थायीकरण किया है और सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सीमांत घोषाल, प्रदेश सदस्य। देखिए, जब जब लोकसभा का इलेक्शन आता है या फिर किसी प्रकार का झारखंड में चुनाव होता है तो बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं अपने एजेंडा को लेकर पहुंच जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 59 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बगल में कांग्रेस पार्टी की आज सभा है और हमारे राजेश ठाकुर जी आए हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबोधकांत सहाय जी, सुंदरी तिर्की दीदी जी जो बड़े बड़े लीडर हैं। एक बार भी हम लोग से आके हम लोग से नहीं पूछे कि आप लोगों का मांग क्या है। इन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, आलमगीर आलम जी से कभी भी इन्होंने नहीं सोचा पूछा एक बार कि हाँ भाई उन लोगों का मांग क्या, उन लोगों की बहाली कैसे हुई थी, हम लोग के विषय में जानकारी नहीं लिए। हम आज चाहेंगे कि इनकी सभा समाप्त हो तो ये हम लोगों से जरूर मिले और हमारी मांगों पहल करें। कितना दिन हो गया? आज हम लोग का 59 दिन हो गया निश्चित काल। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, पर हम लोग भी इस बार सोच लिए हैं कि 2024 का इलेक्शन होगा उसके अगर तब तक भी हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। खिचड़ी बन रहा है क्या? आज से खिचड़ी बनना चालू हो गया प्रत्येक दिन। अब हम लोग यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे 24 घंटा। इससे पहले कहाँ बन रहा था खाना? हम लोग ऐसे होटल उटल में खाते थे, पर चूंकि अब आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो गई है तो अब हम लोग चंदा करके कोई दाल दिया है, कोई चावल दिया है, कोई सब्जी दिया है, सबके सहयोग से हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं। अब प्रत्येक दिन अब खिचड़ी बनेगा इतवारों को। हाँ, हम लोग भैया भूखा पेट हैं, हम लोग इतवार और शनिवार बुधवार नहीं देखते हैं। हम लोग को जो मिलेगा हम लोग खा के पेट भरेंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग अपना हक अधिकार का लड़ाई से पीछे हटे तो मेरा बाल बच्चा परिवार भी भूखे रहेगा। इसके लिए हम लोग चला है, मैं आंदोलन से निवेदन करना चाहता हूँ।
एक तरफ देखें कि कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वह यहां पर धरना दिए हुए हैं महंगाई के खिलाफ, और दूसरी तरफ देखें कि किस तरीके से जो है यहां पर तमाम जो ये पंचायत सचिवालय सेवक संघ के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह यहां एक मांग वेतन मान मांगी जा रही है, मांगी जा रही है। अब दूसरी तरफ देखिए पकड़ा गया, उन्होंने रक्षाबंधन के समय में ये कहा कि जो छूट दी जा रही है बहनों को दी जा रही है रक्षाबंधन की सौगात है, सौगात देना था तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करा लेते, पहलवान बहनों को न्याय मिल जाता। मणिपुर में जिन बहनों के साथ अत्याचार हुआ उनके आरोपियों के को पकड़ लेते तो हम समझते कि हाँ रक्षाबंधन का सही का फल वो निभा रहे हैं। पहले 700 रुपया सिलेंडर में बढ़ा के आज 200 घटा करके पहले बाद में छूट, ये काम रह गया प्रधानमंत्री जी का। उसी को हम लोग जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक्ट है उसको पकड़िए समझिए, और जो बाकी चीज़ों में दाम बढ़े हुए हैं उसको ध्यान में रख करके उस पर कमी लाइए तो हम समझे कि हाँ प्रधानमंत्री जी सचमुच में जनता को के बारे में सोचते हैं। 5 राज्यों में चुनाव, इंडिया की बार बार बैठक, उससे घबरा करके आपने 200 रुपया कम कर दिया और उसको बहनों को तोहफा बता रहे हैं। इन्हीं बातों का हम पर्दाफाश कर रहे हैं आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे राज्य में। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।